हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीसेट पेपर टू डिस्कस कर रहे हैं भाई, आप सभी लोगों को पता ही है। इसी क्रम में आगे बढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, पेपर टू डिस्कस करते हैं। और इस तरीके से हमने एक प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट से गो थ्रू हो जाइए, एक बार जाने से पहले देख लीजिए ढंग से, बस आपका काम हो जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। इतना मेरा कहना है आप लोगों से, है ना? एक बार उसको ढंग से देख लेना बस, ठीक है? काम आपका काम आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? इन अ सर्टेन लैंग्वेज एंट्री जो है वो कैसे लिखा जा रहा है? ई एन टी आर वाई, एंट्री इज रिटन एज 1 2 3 4 5, ठीक है? एंड स्टडी एस टी ई ए डी वाई, स्टडी इज कोडेड एज 9 3 1 7 8 5। तो हमसे पूछा है नीटनेस कैसे लिखना है, एन ई टी एन ई डबल एन ई ए टी ए सॉरी, ठीक है? नीटनेस को किस तरीके से लिखना है हम लोगों को, ठीक है? तो इसमें क्या देखना होता है, बेसिकली कई तरीके से कोडिंग बनती है। तो सिंपल वाली कोडिंग है इसमें, तो बस जितने तुम्हारे अल्फाबेट है उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर रखा है। जैसे ई है, ई की जगह यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है? एन है, एन की जगह यहाँ 2 आ रहा है। तो यहाँ एन है, एन की जगह 2 आ जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टी आ रहा है, उसके बाद क्या, ए, ए की जगह क्या आ रहा है, ए फोर्थ पे पोजीशन पे 7 आ रहा है। 217 वाला ए की ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी, यही अपना आंसर हो जाएगा। पूरा भी चेक करने की जरूरत तुम लोगों को नहीं पड़नी चाहिए, पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से अपना काम आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद करो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ईजी था। क्या कह रही है, एल स्टैंड्स फॉर प्लस, एम स्टैंड्स फॉर माइनस, एन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, P stands for divide, then 14N, 10L, 42P, ये इसका मीनिंग क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं जिसमें इस तरह की वैल्यू दी जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो आपको ना बॉर्ड मास का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है? बॉर्ड मास आना चाहिए। दूसरा बस फिर ये सिंपल सा लिख लो इसको, क्या कह रहा है ये, 14N, 10L, 42P, 2M, 8, इस तरीके से लिख लो इसको, ठीक है? तो n की जगह क्या आना है देख लो जरा, n की जगह मल्टीप्लाई आएगा, तो हम क्या करने वाले हैं, 14 इंटू 10 हो जाएगा। l की जगह क्या आएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा 42। p, p की जगह क्या आएगा, डिवाइड बाय 2। और m क्या है, माइनस 8। ये सॉल्व करना है। इसमें भी गड़बड़ क्या कर सकते हो उसका ही बता रहा हूँ, इसमें भी गड़बड़ कर सकते हो आप। इसको पहले सॉल्व करना है तो हमेशा याद रखना है, प्रायोरिटी बता देता हूँ, वी बॉर्ड मास प्रायोरिटी होता है। वी बॉर्ड मास का क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है विनेकुलम, यानी कि बार सबसे पहले सॉल्व करते हैं, विनेकुलम, विनेकुलम। सेकेंड पे आता है ब्रैकेट, कोई भी अगर ब्रैकेट दे रखे होते हैं, बड़ा ब्रैकेट हो सकता है, मिडिल ब्रैकेट हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में बोलते हैं इसको का। डी का मतलब डिवीजन, भाग, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये बॉर्ड मास का जो रूल है ये क्या बताता है हमको, सिंपल सा, कि किसको हमें पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी दिखाई दे रही है, ऊपर से चेक करो, बी विनेकलम क्या है, नहीं ब्रैकेट भी यहाँ कोई नहीं है, ऑफ भी यहाँ नहीं है। सबसे पहले डिवीजन करना है, तो सबसे पहले डिवीजन करना पड़ेगा भाई। डिवीजन करने के लिए 2 से काट दो, 21 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 140 प्लस 21 माइनस 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 140 प्लस 13, यानी कि आंसर कितना आने वाला है, 153। कितना आंसर आ जाएगा, 153, 153। समझ रहे हो ना, हमको क्या चेक करना होता है, वी बॉर्ड मास। आपने शायद बॉर्ड मास पढ़ा होगा, ये मैं जानता हूँ, बॉर्ड मास सब लोगों ने पढ़ा होगा बॉर्ड मास, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वी बॉर्ड मास, विनेकुलम और यूज कर लो बस पहले, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ 6th मार्च 2005 इज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6th मार्च 2004। एक साल पहले की बात ये कर रहा है, तो एक साल पहले का निकालने के लिए क्या, एक वन ऑड डे होता है बेसिकली। तो वैसे तो इसका आंसर संडे आ जाएगा, मैं तुमको बताऊं, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है ये देख लेना बस थोड़ा सा। देखो, नंबर ऑफ ऑड डेज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑड डेज। अगर नॉर्मल साल है, नंबर ऑफ विषम दिन निकालने होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, मैं एक लेक्चर में पहले बता चुका हूँ,
एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज जो होते हैं वो होते हैं दो, और नॉर्मल ईयर जो होता है इसमें ऑड डेज जो होते हैं वो होते हैं वन। अब आप एक बात समझना बहुत ध्यान से मेरी, है ना, लीप ईयर में एक दिन क्यों बढ़ जाता है? जैसे नॉर्मल साल में दिन होते हैं 365 और लीप ईयर में होते हैं 366, इतना तो पता ही होगा सबको। तो इसको बस 7 से डिवाइड करके चेक करो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 35 होते हैं 365 का मैं भाग लगा देता हूँ 7 का, है ना, 7 से 5 बार 15, 7 × 2 = 14 हो जाएंगे। रिमाइंडर जो बचेगा वही नंबर ऑफ ऑड डे बनता है, तो 366 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 ऑड डे हो जाएंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है कि अगली साल का जैसे कैलेंडर होता है ना, उसमें एक दिन बढ़ जाता है बस। अब इसमें एक साल पहले का पूछा है आपसे, तो एक साल पहले का अगर पूछा है तो आज क्या बता रहा है आपको, 6 मार्च को बता रहा है ये, 6 मार्च 2005 जो है वो मंडे है। तो इससे अब आप कहोगे कि 2004 तो भाई लीप ईयर है, लेकिन आप एक बात सोचो भाई, मार्च टू मार्च की बात हो रही है, फरवरी नहीं आया इसमें। जो ऑड डेज बढ़ते हैं वो कहाँ बढ़ते हैं? फरवरी पे बढ़ते हैं, फरवरी के बाद की कहानी है। तो 6 मार्च 2004 से 6 मार्च 2005 एक नॉर्मल ईयर बन गया, नॉर्मल ईयर, तो एक ऑड डे बढ़ा होगा, तो मंडे में से एक दिन माइनस करना है। एक दिन माइनस करने का मतलब क्या है कि 6 मार्च 2004 को जो दिन पड़ेगा वो पड़ेगा संडे, क्योंकि संडे के बाद आता है मंडे, ठीक है? तो 2004 में इस दिन संडे था, तो 2005 में इस दिन क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। क्लियर बात है? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 का जो अपना हुआ है एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके से, तो समझ लेना एक बार, है ना, क्या क्या कंडीशन होती है ऐसे। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। अब इनमें से किस साल के साथ ये सेम रहने वाला है? तो ये 2007 जो है ना, मैं आज तुमको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पहले जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने डायरेक्टली बता दिया था, दो तरीके से होता है, 11 ईयर्स का डिफरेंस होता है और 6 ईयर्स का होता है। अगर लीप ईयर होता है तो 6 ईयर्स का डिफरेंस कर देते हैं, और नॉर्मल ईयर होता है तो 11 साल का, यानी कि 2007 के बाद 11 जोड़ दो, 2018 का जो साल होगा वो 2007 के कैलेंडर के बराबर आएगा। आंसर तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। अभी आ क्यों रहा है ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा, हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं तो थोड़ा समझाना बनेगा, क्योंकि क्या पता इससे आगे की चीज कुछ पूछ ले आप लोगों से पेपर में। वैसे बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, आएगा तो कैलेंडर से, यही क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को उठाया स्पेशली आप लोगों के लिए। तो ये कह रहा है कि जैसे 2007 में पढ़ा, तो 2007 से मुझे अगर 2018 तक, 2007 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, पहले मैं 6 साल का गैप देखूंगा, है ना, और 2013। अब यहाँ क्या होगा देखो ध्यान से जरा, ये लीप ईयर है, यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज 2 हो जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होंगे, 1 होंगे, 1 होंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब देखो जरा, 2, 4, 5, 6, 2 और 3, 5, 6, 7 और 1, 8 तरीके से चलेगा, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018, कितना हो जाएगा? 1, 1, 2, 1, 1 इस तरीके से होगा। ऐड करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हो गए भाई दिन? 14 हो गए ना, कितने दिन हो गए? 14 हो गए ना। तो 14 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 बचता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है। लीप ईयर है तो 6 साल जोड़ दो, नॉर्मल साल है तो 11 जोड़ दो, 2007 है तो 11 साल जोड़ेंगे, तो 2018 जो होगा उसका कैलेंडर सेम ऐसा ही आएगा जैसे 2007 का है। 2008 लेता मैं, 2008 अगर 8 ले लेता मैं तो कौन सा वाला बन जाता, तुम बताओ जरा मुझे, लीप ईयर के केस में 6 साल का जो डिफरेंस रहते हैं। 2008 लेता तो मैं उसके हिसाब से मुझे चेक करना पड़ता, 2008 को मैं चेक करता अपने हिसाब से, तो मुझे कहाँ तक पहुंचना पड़ता, 3 और 3, 6 और 1, 6 साल होता है क्या? एक सेकंड रुको, चेक करने दो जरा मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये के बराबर तो बनेगा नहीं, के बराबर तो बनेगा नहीं। नहीं ये तो इसका आंसर तो यही आएगा 2018। लीप ईयर वाले का थोड़ा मैं कंफर्म करके तुम लोगों को बता दूंगा, है ना। लीप ईयर वाले का क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसका तुम ध्यान रखना, इस पर 11 साल में बनेगा, है ना, 2017 और 2018। लीप ईयर वाला चेक करके मैं एक बार बताऊंगा तुम लोगों को, है ना, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा लीप ईयर वाले में क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है। वैसे मुझे जहां तक लगता है 6 और 11 का ही कॉन्सेप्ट होता है जहां तक मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगा भाई, ऐसे नहीं बता सकता गलत आप लोगों को, है ना। कंफर्मेशन के साथ ही बताऊंगा मैं इस चीज को एक बार। वैसे जो नॉर्मल होता है उसमें 11 साल जोड़ दो आंसर आ जाएगा। वैसे तो शायद 6 साल का ही होता है गैप लीप ईयर में जहां तक मुझे याद है, फिर भी देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। टू वुमेन ए एंड बी स्टार्ट देयर मॉर्निंग रन फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट करती हैं भागना। ए रन्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब ए जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगी, है ना। देन टर्न वेस्ट, वेस्ट में टर्न होगी और 2 किलोमीटर दौड़ेगी, यहां दौड़ेगी 2 किलोमीटर। देन टर्न हर राइट, राइट में टर्न करेगी और 5.5 किलोमीटर जाएगी। बी क्या करती है, बी जो है रन करता है 4 किलोमीटर वेस्ट। अब देखो बी, ए और बी यहीं तो थे, यहीं पर ए था यहीं पे बी था। अब बी को भगा लो, अगर बी वेस्ट में भागने की बात है तो ये वेस्ट में इधर जाएगी ना बी, कितना 4 किलोमीटर जाएगा। तो बी 4 किलोमीटर यहाँ चला देते हैं, चलो 4 किलोमीटर यहाँ चल गया। एंड राइट पे टर्न होती है और 8.5 किलोमीटर चलती है, 8.5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कहना है, वेयर इज बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब ए तो यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, देखो 5.5 और 3, इनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर हो गई है, समझ रहे हो। अब ये बता दो ये कितनी दूरी पर है, ये 2 किलोमीटर का फर्क आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ए से 2 किलोमीटर कहाँ पर है, वेस्ट में है ना, ए से 2 किलोमीटर कहाँ पर है, वेस्ट में है, क्लियर होना चाहिए। ए से 2 किलोमीटर कहाँ पर है, वेस्ट में है, ठीक है, क्लियर है। ए से 2 किलोमीटर वेस्ट में है बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए मैन इन ए ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 41 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। एक ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है, वो 1 मिनट में 41 टेलीफोन पोस्ट गिनता है ना। हर पोस्ट के बीच की दूरी 50 मीटर की है, दो खंबे मान लो, खंबों के बीच की दूरी 50 50 मीटर की है। देन एट व्हाट स्पीड इज द ट्रेन ट्रेवलिंग, किलोमीटर पर आर में तुमको ये बताना है। अब देखो तो एक बात सोचो जरा ध्यान से, ट्रेन है तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर से पहला टेलीफोन पोस्ट स्टार्ट होता है, फिर दूसरा आएगा आगे, फिर तीसरा आएगा आगे, ऐसे करके ये 1 मिनट में ना कितने 41 क्रॉस करके जाएगा। ये 41 है टोटल, इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है 50 मीटर, टाइम हमको दे रखा है 1 मिनट। टाइम कितना दे रखा है हमको, 1 मिनट टाइम दे रखा है। अब आप लोग क्या करोगे, डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे कि कुल कितना डिस्टेंस चले गया 1 मिनट में। याद रखना 41 अगर खंभे हैं ना, तो 50 50 मीटर के 40 स्लॉट क्लियर किए तुमने। पहला स्लॉट तो तुम्हारा यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है, पहला तो यहीं से स्टार्ट हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करके 41, 50 मीटर 50 मीटर करके ऐसे कितने बनेंगे 40, 50 × 40, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो कितनी ट्रेवल कर रहे हो, 2000 मीटर, क्लियर है, 2000 मीटर। कितने टाइम में, टाइम है हमारा 1 मिनट में, हम क्लियर करके जाते हैं भाई, 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकेंड होती है। अब तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, स्पीड निकाल दोगे 2000 / 60 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आर में जाना है, तो 18/5 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में 5/18 करते हैं, तो यहाँ पे कितने से गुणा करोगे भाई, 18/5 से, 0 हट जाएगा, 6 × 3 = 18 हो जाएंगे, 5 से 4 40 बार, तो स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ट्रेन है उसकी
की जो स्पीड चल रही है वो कितनी चल रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हमारी ट्रेन जो है वो भागी जा रही है। आगे वो भी बात समझ में, 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार आ जाएगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, सात क्रमागत संख्याएं जो हैं इनका एवरेज कितना दे रखा है हमको, 20 दे रखा है, सात क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 20, तो इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल होता है, लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाए ना तो मिडिल टर्म हमारा एवरेज होती है, हमेशा याद रखना ये बात, चाहे वो एपी हो, चाहे सम संख्याएं हो, चाहे विषम संख्याएं हो, अगर वो पदों की संख्या विषम संख्या है, ऑड नंबर है, 7 है, 7 क्या है, ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवें नंबर ये चौथे नंबर पे होगा वही हमारा एवरेज होता है, तो 7 का एवरेज 20 है, तो 20 यहां पर आएगा कंसेक्यूटिव, तो 21 22 और 23 19 18 और 17, तो ये 20 हो गया, 21 22 23, सबसे बड़ी कौन सी होगी, 23 होगी, इतना इजीली निकाल सकते हो, कुछ भी इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा अब अगर यहाँ पे सपोज करो ऐसे होता 10 12 14 16 18 और 20, कितनी होगी, 6 हो गई ना, अगर पदों की संख्या, ये देखो ऑड नंबर टर्म्स है, ऑड टर्म्स हो गई, विषम पद, अगर पदों की संख्या सम हो जाए तो ये जो है ना दोनों इनके बीच का नंबर कितना आएगा, 15 आएगा ना, यही एवरेज बनेगा अपना, इनके बीच का नंबर यानी कि इनका, इनका दोनों का एवरेज 14 और 16 कितना होते हैं, 30, 30 का आधा कितना होता है 15, 15 एवरेज आएगा इसका, तुम चाहे लगा के देख लो, हमेशा याद रखना अगर इक्वल सीरीज चल रही है और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है यानी कि विषम पद है तो मिडिल टर्म हमेशा एवरेज बनेगी, और अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडिल टर्म्स का एवरेज हमारा एवरेज बनेगा, जैसे 16 और 14 है इनका एवरेज क्या आएगा, 30, 15 आएगा तो 15 बन जाएगा हमारा एवरेज इसका पूरे का, तुम लगा के देख लो नहीं तो, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है, ध्यान में रखना है आप लोगों को, है ना, इसको भूलना नहीं है सब चीजों को। क्या कह रहा है भाई, दिए गए 3 कथन दिए हैं, 1 2 3, आपको यह तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए आंकड़ों में से कौन सा विवरण पर्याप्त है, इसके आधार पर विकल्पों में से अपना उत्तर चुनना है। तो भाई एम आर से किस प्रकार संबंधित है, तो एम का एकमात्र पुत्र टी है, दो बहने हैं, तो एम जो है इसका एक तो बेटा है टी और दो बेटियां हैं, उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है, ये या तो मम्मी है या पापा है। एम का पुत्र आर की एकमात्र बहन का भाई है, आर एक बहन हो गई, इसका मतलब आर की एकमात्र बहन का भाई है, ठीक है, एम का बेटा जो है, एम का पुत्र आर की एकमात्र बहन का भाई है, ठीक है, आर और टी एम के बच्चे हैं, आर और टी एम के बच्चे हैं, तो भैया ना तो इसके बारे में कुछ पता चला ना इसके बारे में पता चला। अब ये पूछा कि एम आर से किस प्रकार संबंधित है, तो कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से समझना मेरी बात, इस क्वेश्चन में क्या तुम्हें एम का जेंडर पता चला, एम मेल है फीमेल है, मम्मी है पापा है, पूरे क्वेश्चन में क्या ये पता चला तुम लोगों को कि एम मम्मी है या पापा है, नहीं पता चला। अगर ये मम्मी पापा क्लियर नहीं है तो हमारा संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते आर के साथ में, बेशक हमको पता है कि एम का बच्चा है आर, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि एम उसकी मम्मी है या पापा है, जेंडर डिसाइड इसमें नहीं कर सकते। अब जेंडर डिसाइड जब नहीं कर सकते तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, नन ऑफ दीज, इनमें से हम किसी के द्वारा ये नहीं बता सकते कि एम आर से किस प्रकार संबंधित है, समझ रहे हो ना बात को, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, जब मैं यही नहीं पता लगा सकता कि किस तरीके से एम का जेंडर क्या है, भाई आर कौन है एम का, एम आर का एम कौन है, मम्मी है पापा है, ये बता नहीं सकते तुम, तीनों स्टेटमेंट को देख के हम ये चीज क्लियर नहीं कर सकते, ना तो एम के बारे में हम ये कह सकते वो मम्मी है ना, ये कह सकते वो पापा है, समझे बात को, नहीं समझे, और ये तुम्हें को पता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये मैं मेल के लिए यूज करता हूँ सर्कल, और ट्राइंगल में फीमेल के लिए यूज करता हूँ, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, ए पीपल्स मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63, मतलब एक लड़का है उसके जो अंक है गलत तरीके से 83 दर्ज हो गए, लेकिन दर्ज कितने होने थे 63, ठीक है,
ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गॉट इंक्रीज बाई हाफ, यानी कि पूरी क्लास का जो एवरेज है, पूरी क्लास का जो औसत था वो कितना बढ़ गया, 0.5, आधा मार्क्स बढ़ गया भाई। 63 हमको लेना था, हमने ले लिया कितना, 83, तो पूरी क्लास का एवरेज कितना बढ़ गया, 0.5। अब देखना जरा आंसर कैसे आएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, देखो भाई 63 हमको अंकित करना था, हमने अंकित किया 83, फर्क कितने का किया हमने, 20 का, फर्क कितने का किया हमने, 20 का। इस 20 के फर्क की वजह से, इस 20 के फर्क की वजह से एवरेज बढ़ा 0.5। एवरेज का मतलब क्या होता है, आप लोगों को कई बार बता चुका हूं मैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक समान वितरण होता है, समझ में आ रही है बात। 0.5 हरेक पर बढ़ गया ना, 0.5 हरेक पे बढ़ गया, तो ये 20 जो है ना इसको 0.5 के हिसाब से बांट दो, कितनी लोगों पे बढ़ जाएगा, ये 40 लोगों पे, कितने लोग हैं वो टोटल, 40। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, एक दो बार रिपीट करके भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगी सारी बातें, क्या मतलब बताया मैंने, क्या मतलब समझाया तुमको इस चीज के बारे में, ठीक है ना, यहीं से आंसर आ जाएगा इसका इजीली, कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा तुमको ज्यादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ये कह रहा है कि अगर हमारा क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ प्रतिशत क्या है, और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। देखो लाभ, और इंग्लिश में बोल दो इसको प्रॉफिट, प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं सीपी यानी कि क्रय मूल्य पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बात कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 25% है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, हम सेलिंग प्राइस जो है ना, यानी कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य को मैंने मान लिया 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए की चीज मैंने बेच दी, समझना बहुत ध्यान से, 100 रुपए की चीज मैंने बेच दी। अब देखो जरा, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस कितना भाई 100 रुपए, 100 का 25% कितना होगा, 25 रुपए होगा कि नहीं होगा, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा भाई, 25 रुपए, हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 25 रुपए। अब भाई 25 रुपए की चीज जा रही है 100 रुपए में, सेलिंग प्राइस पे का मतलब बेच रहे हो ना 100 रुपए में, तो 25 रुपए की चीज को अगर मैं 100 रुपए पे बेचता हूँ भाई, मेरा प्रॉफिट 75 का है कि नहीं है, बताओ जरा सोच समझ के इस बात को। अगर मैं 25 रुपए की चीज को 100 रुपए की बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट है ना 75 रुपए का, तो ये 75 रुपए जो है ना, ये 25 का कितना परसेंट है, तो 75/25 × 100, तो 25 × 100 और 75 × 4 कितने होते हैं, 300% का प्रॉफिट ले रहे हो भाई, कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहे हो, 300% का प्रॉफिट ले रहे हो भाई, आई समझ में बात। एसपी को ले लिया 100, उसका 25% सीपी है, बस हो गया काम हमारा, आसान, क्लियर है ये बात यहाँ तक, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, है कुछ नहीं, तुम ये सोचो कि भाई क्या करना है, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, बाकी मैं इसको रेशो से भी बता सकता था, लेकिन रेशो से बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। क्या कह रहा है भाई, भारत में दुनिया की बाल मृत्यु का लगभग 5वां हिस्सा है, संख्या के संदर्भ में ये दुनिया में सबसे अधिक है, हर साल लगभग 16 लाख, इनमें से आधे से अधिक जीवन के पहले महीने में ही मर जाते हैं। अधिकारियों का मानना है कि इसका कारण स्तनपान और टीकाकरण से संबंधित बुनियादी स्वास्थ्य प्रथाओं के प्रसार के लिए कदमों का अभाव है। इसके अलावा 2.6 करोड़ की बड़ी प्रजनन आबादी गर्भावस्था और प्रसव के बाद के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान देखभाल से वंचित रह जाती है, तो बहुत बड़ा केस है भाई, है ना, आज भी दिक्कत है ना, ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसके अलावा बाल विवाह का प्रचलन, युवा महिलाओं में एनीमिया जानते हो, खून की कमी हो जाती है, किशोर स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने की कमी है जिसका प्रभाव बाल मृत्यु दर पर पड़ता है। ये डिपेंड करता है, देखो स्टार्टिंग से नॉरिशमेंट से डिपेंड करता है, भरण पोषण किस तरीके का रहा है आपका, कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका ख्याल बहुत जरूरी होता है रखना, खाने का बहुत ध्यान, नॉरिशमेंट बहुत जरूरी होता है, न्यूट्रिशन कितनी, न्यूट्रिशन डाइट जो होती है, पोषण जो जरूरी होता है एक महिला को जब वो प्रेग्नेंट होती है गर्भावस्था में,
वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चे भी उसी तरीके से पैदा होते हैं, उतने स्वस्थ नहीं होते, बहुत सारी बीमारियां जगड़ लेती हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, तो भाई स्ट्रेस होनी चाहिए ना कुछ होना चाहिए। जब मतलब किसी की पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं कि भाई कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको देखभाल एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि तो हमारे देश में बहुत बड़ा गड़बड़ काम है, यहाँ पे नहीं होता है, गाँव वगैरह में बहुत ईजीली चलता रहता है सब कुछ। उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है भाई, है ना, क्या कह रहे हैं। उपरोक्त पैराग्राफ से कौन सा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बहुत से भारतीय अनपढ़ हैं और इसलिए बुनियादी स्वास्थ्य प्रथाओं के मूल्य को मानता नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, तो वैसे गलत ही कर देता हूँ मैं, वैसे होल्ड पे भी रखने की जरूरत नहीं है। भारत में बहुत बड़ी आबादी है और अकेले सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन नहीं कर सकती। ना, ये भी नहीं कह रहा। मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौमिकरण और एकीकरण प्रभावी रूप से समस्या का समाधान कर सकता है। देखो, यही चीज तो बात बताने की कोशिश कर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, समझ में आ रही है बात। बाल वहन करने वाली आयु में महिलाएं हैं, पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता। नहीं, प्रभावित करता है, इसके बारे में तो बात कर ही रहा था, तो प्रभावित करता ही है भाई, बहुत हद तक जाकर प्रभावित करता है ना। तो इन सारी चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी बहुत ही इजी टाइप का पैराग्राफ था, बस थोड़ा सा इन्फ्रेंस जब हम निकालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो भाई, है ना, ऐसे मत कर दो मतलब, है ना, सोच लो थोड़ा सा, निकल आता है इन्फ्रेंस। क्या कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ? खाद्य पदार्थ एवं उन लोगों की तुलना में अधिक यात्रा करते हैं जो उन्हें खाते हैं, ठीक है। किराना स्टोर और सुपरमार्केट संरक्षित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से भरे हुए होते हैं, पैकेज्ड फूड की बातें कर रहे हैं ना। हालांकि यह अक्सर पर्यावरणीय खतरों की ओर जाता है, जो जैसे कि लंबी दूरी की खाद्य परिवहन और प्रदूषण के कारण उत्पन्न प्रदूषण, प्रसंस्करण और परिवहन के दौरान भोजन की बर्बादी, वर्षा वनों का विनाश, पोषण सामग्री कम, संरक्षण और पैकेजिंग की मांग में वृद्धि, खाद्य असुरक्षा भी बढ़ जाती है क्योंकि उपज उन क्षेत्रों से आती है जो अपनी आबादी को ठीक से नहीं खिला रहे। ओके, उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, क्षेत्रीय रूप से उगाए गए भोजन का उपभोग करना और लंबे समय तक यात्रा किए बिना भोजन पर निर्भर नहीं करना पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार का एक हिस्सा है। देखो, ऐसा अनुमान हम नहीं लगा सकते ना, ये कहा गया है कि परेशानी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है। हाँ, है कि परेशानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा देख लो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डालता है। बिल्कुल करेक्ट है, प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डालने की बात ही हो रही है भैया पैराग्राफ में, ठीक है। तो बस केवल ऑप्शन टू आएगा, ऑप्शन वन इसका आंसर नहीं बन सकता, किसी भी कीमत पे नहीं बन सकता, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी भाई पढ़ाई अच्छी चल रही है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।